क्लेरिन आंटी शिकागो से है. क्लेरिन आंटी या मैं हूँ, या मैं रेडी हूँ और थैंक यू सो मच मुझे गाना गाने के लिए ये टाइम मिल रहा है प्रभु की स्तुति करने के लिए. मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ और प्रभु का भी धन्यवाद करती हूँ. प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा. तेरे पथ पे चलूं, तेरे चरण पड़ूं, प्रभु तू मेरा सहारा, 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 प्रभु तू मेरा सहारा. तेरे पथ पे चलूं, तेरे चरण पड़ूं, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा. मार्ग साजीवन यीशु तू है महान, जो प्रभु तेरे राह पे चलते धन्य वे इंसान. मार्ग सत्य और जीवन यीशु तू है महान, जो प्रभु तेरे राह पे चलते धन्य वे इंसान. हो तेरा जयकार, हो तेरा जयकार, हो तेरा जयकार, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा. तेरे पथ पे चलूं, तेरे चरण पड़ूं, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा. सच्ची दाखलता है डालियां हम तेरी, जो प्रभु तुझ में रहते हैं अनंत जीवन पाते. सच्ची दाखलता है डालियां हम तेरी, जो प्रभु तुझ में रहते हैं अनंत जीवन पाते. हो तेरा जयकार, हो तेरा जयकार, हो तेरा जयकार, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा. तेरे पथ पे चलूं, तेरे चरण पड़ूं, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा. थैंक यू. आमेन आमेन. शुक्रिया आंटी, बहुत ही सुंदर गीत आज रात को गाने के लिए परमेश्वर ने आपकी सहायता की, असली में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ. आपके लिए, आपके परिवार के लिए, विशेषकर हम दादी के लिए रोज दुआ करते हैं. परमेश्वर आपको वचन में आगे बढ़ाए, स्थिर रखे, ये हमारी प्रार्थना है.
आगे हम वचन सुनेंगे और वचन से सुनाने के लिए आज हमारे बीच में सिस्टर बीना जॉर्ज बॉस्टन से है. सिस्टर बीना, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को धन्यवाद करती हूँ कि इस अक्टूबर फैलन में आपने मुझे इनवाइट किया प्रभु के वचन को लेके. और मैं अपने जीवन में बहुत बड़ा एक सौभाग्य चाहती हूँ, जानती हूँ कि प्रभु के वचन को प्रीच करने से बड़ा और कुछ भी नहीं है. परमेश्वर ने अपन से कहा कि देश कोने कोने तब जाके परमेश्वर के वचन को प्रीच करो करके. तो अगर ये प्रलन में प्रभु हमको जब भी अवसर देता है हम प्रभु के नाम की महिमा करें, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं, ये मेरी प्रार्थना है. तो आइए अपन प्रार्थना करें. प्रभु जी आज हम आपके चरणों के समीप आए खुदा, आपके जीवित पवित्र वचन को लेकर खुदा हम हमारे पास जो भी 10-15 मिनट है खुदा, हम जब आपके वचन को शेयर करेंगे हम पवित्र आत्मा को इन्वाइट करते हैं कि आप हमारे मध्य में आकर प्रभु जी ये वचन को परमेश्वर तक अपने बच्चों तक पहुंचाना खुदा. ये वचन हमारे जीवन में क्रिया करने वाले हो सके खुदा, ये वचन हमारे जीवन में रूपांतर करके प्रभु जी तुझसे और भी हम क्लोज रहने की हमारी सहायता और मदद करना खुदा. मेरे जुबान के साथ रहना खुदा, जो भी मैं कहूँ खुदा मेरी बुद्धि शक्ति सामर्थ्य नहीं परंतु आपकी आत्मा के द्वारा कहने वाले हो सके प्रभु. ये छोटी सी प्रार्थना को प्रभु ईश्वर के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर प्रभु, आमीन. आज का जो मैं वचन अपन पढ़ेंगे वो Romans 8:18 रोमन उसके 8वें अध्याय 18 पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है. अब ये जो रोमियो के पत्र में पौलुस से लिखता है कि ये जो थोड़ा सा क्लेश जो पॉल जो फेस कर रहा है संसार में, वो उस महिमा वो दिन जो आने वाला है जो फ्यूचर में आने वाला है उसके सामने कुछ भी नहीं है. अब यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि पौलुस ने क्या वो दिन देखा है क्या जो आने वाला है पौलुस के जीवन में, क्या उसने स्वर्ग चखा है क्या, क्या उसने ईश्वर को फेस टू फेस देखा है क्या कि क्या क्या होने वाला है, किसी को कुछ मालूम है क्या? उसने ऐसा कुछ देखा नहीं है परंतु उसका एक होप है और वही होप में आज अपन भी जी रहे हैं कि अपना प्रभु आएगा, दूसरा आगमन जरूर होगा और अपने अपने बच्चों को अपने साथ ले जाएगा और हम युगायुग प्रभु के साथ हमेशा हमेशा के लिए इटर्निटी वहां पे वास करेंगे. ये हमारा विश्वास है. तो हमारा तो पौलुस को यहाँ पे अपन देखते हैं कि प्रभु को पौलुस को इतना धैर्य विश्वास था कि वो जो महिमा के दिन को देखे वो खुश हो जाता है और वो कहता है कि मेरा जो प्रेजेंट सफरिंग है ये कुछ भी नहीं है. जबकि अपन वचन में पढ़ते हैं कि पौलुस ने इतना दुख उठाया, इतना कष्ट उठाया है, पूरा एक लिस्ट में लिखा गया है कि उसको कितने बार उसको 3 दिन और रात वो ठंडा था, नेकड था, उसको कितने कोड़े मारे गए थे, भूखा था, कितना शर्मिंदा किया. परंतु ये सब अगर उसका पौलुस का जीवन के दुख को अपन कंपेयर करें तो अपन अपने जीवन में ऐसा दुख कुछ भी नहीं हुआ है. फिर भी अपन सोचते हैं कि अरे अपने जीवन में क्या 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 कभी बीत गया है करके. परंतु इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस सफरिंग पॉल कहता है कि मेरे जीवन में मुझे कुछ भी नहीं, मुझे फ्यूचर ग्लोरी के बारे में मैं जब सोचता हूँ तो मुझे बहुत आनंद आता है कि और ऐसा लगता है ये तो कुछ भी नहीं है. अब क्वेश्चन ये उठता है कि पौलुस को ये रेवोल्यूशन कहाँ से मिला, इतना बड़ा आत्मिक मर्म उसको कहाँ से मिला है. उसका आंसर ये है कि हर इंसान जब पेन में और सफरिंग के थ्रू जब पास होता है तब परमेश्वर उसको बहुत सारी चीजें सिखाता है. अगर अपने 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 जीवन को भी अपन ले लें तो अपन ने जो कुछ भी पाया है, अपन ने जो कुछ भी सीखा है, अपन सब के एक एक अवसर में, दुख के अवसर में और मुसीबतों के अवसर में, दरिद्रता के अवसर में अपन ने जो भी पाया है वही अपन आज अपने जीवन में एक एक टेस्टमनी के रूप में खड़ा हुआ है. जिस प्रकार से कहते हैं ना कि विदाउट टेस्ट देयर इज नो टेस्टमनी, एक टेस्ट के द्वारा अपन सब पास हुए हैं, वो टेस्ट आज अपना एक टेस्टमनी बन गया है और इसलिए आज अपन बहुत लोगों के लिए अपन एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में प्रभु ने अपन को खड़ा किया है. तो पौलुस ने अपने सारे एक्सपीरियंस थ्रू द पेन और सफरिंग से ही पौलुस को ये रेवलेशन मिला है कि आने वाला फ्यूचर ग्लोरी है करके. अपन ये रोमन्स की पत्रियां उसके 8 की अगर अपन 29 वर्स में ऐसा लिखा है उसको पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है कि क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है
कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो ताकि वह बहुत भाइयों के फैलौटा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। तो यहाँ पे अपन जो लास्ट में लिखा है कि जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा दी है। तो महिमा को अपन इंग्लिश में कहते हैं जस्टिफिकेशन, सॉरी ग्लोरिफिकेशन। तो आज मैं जो अपन जो थोड़ा एम्फेसिस करेंगे तीन टर्म के बारे में, वो है जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन और ग्लोरिफिकेशन। अपना जो सैल्वेशन है प्रभु यीशु मसीह में, वो एक्चुअली इट इन्वॉल्व थ्री मार्वलस गिफ्ट। और ये जो तीन गिफ्ट है जो मैंने भी बोला, जस्टिफिकेशन यानी कि छुटकारा, सैंक्टिफिकेशन पवित्रीकरण, ग्लोरिफिकेशन महिमा, ये तीन चीज को जब इन्वॉल्व होता है जो कि तब अपना सैल्वेशन कंप्लीट होता है। आप सबको मालूम है जस्टिफिकेशन जो यानी कि अपना छुटकारा जो है वो एक गॉड का एक गिफ्ट है, और ये परमेश्वर का एक्ट है। परमेश्वर ने अपने तौर से अपने लिए किया है अपने हर पापों का छुटकारा के लिए। उसने कलवरी क्रूस पर पिता परमेश्वर अपने बेटे को दिया, और कलवरी क्रूस पर वो मरा, उसने अपने लहू को बहाया है। और जो कोई भी इंसान, भले वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा और उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेगा, उसके लिए वो जस्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये जस्टिफिकेशन जो है, छुटकारा जो है, वो थ्रो फेथ इन जीसस क्राइस्ट की एक मनुष्य के ऊपर वो आता है। मतलब कि प्रभु अपने सबके लिए मरा गया, सारे इस पूरे संसार के मानव जाति के लिए मरा है, परंतु जो विश्वास करेगा कि परमेश्वर मेरे लिए मरा है, तो तभी उसके लिए वो मीनिंगफुल रहता है। तो जस्टिफिकेशन जो है या छुटकारापन जो है, ये अपने अंदर नहीं होता है, ये परमेश्वर ने अपने लिए ऑलरेडी कर लिया है। ये एक एक ये जो है ये एक परमेश्वर एक डिक्लेयर्ड एक्ट है, उसमें अपन को कुछ नहीं करना है। जस्टिफिकेशन इज नॉट बेस्ड अपॉन व्हाट वी डू, अपन को उसमें कुछ भी नहीं करना है, परमेश्वर ने सब कुछ कर लिया है, अपन को बस उसमें विश्वास करना है कि प्रभु ने जो कुछ किया है वो मेरे लिए किया है, और इस प्रकार से अपन को आत्मिक छुटकारा मिलता है। सेकंड पॉइंट है सैंक्टिफिकेशन, जो मैंने बोला पवित्रीकरण, ये अपन को करना है, ये एक गिफ्ट है परमेश्वर का, और इस गिफ्ट के द्वारा ही हम एवरी डे दिन प्रतिदिन परमेश्वर में आगे बढ़ पाएंगे और परमेश्वर के स्वरूप हम हो सकते हैं। तो ये जो है प्रोसेस है अपने जीवन में कि जो अपन को बहुत पवित्र बनाता है, और ये अपन को रोज अपन को डेली बेसिस में अपन को एक सैंक्टिफाइड लाइफ, एक पवित्र जीवन जीना है। अपना अपने शरीर का हर एक अंग, अपनी आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, अपनी आंखें, अपने कान, अपना चाल चलन, अपना भेष, अपना वस्त्र धारण, अपना अपने हाथ से अपन जो काम करते हैं, पांव जहां चलते हैं, हर चीज को अपन को प्योर एंड होली समझ कर परमेश्वर के सामने अपन को पवित्र बनाकर रखना है। ये अपने अंदर ये स्टार्ट होना चाहिए, और इसी प्रकार से हम दिन प्रतिदिन अपने आत्मिक जीवन में हम एक पवित्र जीवन जी सकते हैं। भले कितना भी कोई भी विश्वासी क्यों ना हो, अपन सब परमेश्वर के सामने कोई भी धर्मी नहीं है, अपन सब पापी हैं। अपन ने अपने माता गर्भ में थे जब से अपन ने पाप किया है, अपन जन्म हुआ है तभी अपन पापी थे, परंतु अपन को छुटकारा देने के लिए परमेश्वर पिता अपने लिए मारा गया, गाढ़ा गया, तीसरे दिन जी उठा लिया गया। अब हमने एक पवित्र जीवन जीना है, ये सोचे कि प्रभु हमारे साथ है, हमें हमेशा दिखता है। तो थर्ड जो पॉइंट है वो है ग्लोरिफिकेशन, ये भी एक गिफ्ट है परमेश्वर का, ये तो अभी आया नहीं है। ग्लोरिफिकेशन जो ऐसे मैंने ग्लोरिफिकेशन जो फ्यूचर में होने वाला है, तो ये एक फ्यूचर और फाइनल वर्क ऑफ गॉड का है हर क्रिश्चियन के लिए। तो अपन सबको मालूम है कि अपन पूरा विश्वास है कि जब प्रभु आएगा तो जो अपने लोगों को जब ले जाएगा, तो अपन ये शरीर में नहीं जाएंगे जिस शरीर में अभी हैं, अपन को एक ग्लोरिफाइड बॉडी मिलेगा, एक महिमा का एक शरीर अपन को मिलेगा, उस महिमा के शरीर में अपन उठा ले जाएंगे। तो जितने लोग प्रभु में मर चुके हैं वो
सबसे पहले जी उठेंगे और हम जो परमेश्वर में आज जिंदा है हमें एक रूपांतर प्रभु देगा, एक ग्लोरिफाइड बॉडी देगा और उस ग्लोरिफाइड बॉडी के साथ हम उठा लिए जाएंगे। तो अपना ये जो अभी का जो शरीर है अपन देखा जाता है ये वीक शरीर है, पर जब परमेश्वर आपको जो नया शरीर देगा वो बहुत पावरफुल शरीर रहेगा। अपना जो बॉडी है एक नेचुरल बॉडी है, परंतु परमेश्वर एक नया स्पिरिचुअल बॉडी देगा। अपना जो अभी का बॉडी है मॉर्टल बॉडी है, नाश होने वाला है, परंतु परमेश्वर एक ऐसा बॉडी देगा जो कभी भी नाश नहीं होगा। और आज का जो बॉडी एकदम डिसऑनर बॉडी है, परंतु हम जब उठेंगे तो हमें ग्लोरिफाइड बॉडी परमेश्वर हमें देगा। तो ये जो रेवलेशन है कि हमें ग्लोरिफाइड बॉडी मिलने वाला है, ये रेवलेशन पॉल ने अपने जीवन में बहुत अच्छे से विश्वास कर लिया है कि हमें ऐसा हमारे फ्यूचर ग्लोरिफाइड लाइफ हमें हमारे जीवन में आने वाला है। और अपन को जीसस का रेजरेक्शन जो है, परमेश्वर तीसरे दिन अपने लिए जी उठा था, ये एक सबसे बड़ा एक प्रॉमिस और सबसे बड़ा गारंटी है अपने रेजरेक्शन के बारे में, कि जीसस क्राइस्ट हर चीज में फर्स्ट काम परमेश्वर के नाम में खड़ा किया है। तो परमेश्वर का जो पुत्र है जीसस, वो अगर फर्स्ट रिस्पेक्टेड हुआ था मरों में से सबसे पहले अगर जब उठा लिया गया और ग्लोरिफाइड बॉडी में उठा लिया गया है, तो हमें पूरा विश्वास है कि अगर हम मर भी जाएंगे तो भी अगर हम जब जी उठेंगे तो हम एक परमेश्वर हम एक नया ग्लोरिफाइड बॉडी देगा। और ये हमारा पूरा विश्वास है कि हमें ग्लोरिफाइड बॉडी मिलेगा। इसलिए यहाँ पे बस 29 को अगर हम फिर से पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए लिखा है कि 30 में ऐसे लिखा है कि जिन्हें उसने पहले से ठहराया है उन्हें बुलाया भी है। परमेश्वर ने हम सबको चुन लिया है, हमको माता के गर्भ से पहले से परमेश्वर ने हमें चुन लिया है कि हमें पहले से बुलाया है। अगर प्रभु ने हमें बुलाया है तो क्या है लिखा है इस वचन में, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है। परमेश्वर हमने के हमें केवल बुलाया नहीं है, परमेश्वर हमें धर्मी भी ठहराया है। फिर लिखा है कि जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा दी है। तो आज प्रभु ने हमें धर्मी ठहराया है तो हमें पूरा विश्वास है कि कल प्रभु हमें हमें हमारे को जस्टिफिके हमें को जस्टिफाइड बॉडी देगा, वो हमें अपनी महिमा में हमें प्रभु हमें ले जाएगा। तो हमें जब इतना बड़ा धैर्य है अपने ऊपर, इतना बड़ा विश्वास है कि कल हम परमेश्वर के साथ युगानुयुग स्वर्ग में रहेंगे, तो हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ का जो यात्रा है इस संसार का बहुत छोटे दिनों का है, 80 या 90 या ज्यादा से ज्यादा 100 साल, उससे ज्यादा नहीं है। तो हम जो कुछ भी काम अभी करते हैं, हमारा फ्यूचर जो लाइफ है इट डिपेंड्स अपॉन आज हम जो यहाँ कर रहे हैं। अगर आज हम बहुत से आत्माओं को जीतेंगे यहाँ पे तो हमारा जो फ्यूचर घर है जो स्वर्ग में है वहां पे हमें बहुत सारा स्टार मिलेगा। अगर आज हम जो भी प्रयत्न यहाँ कर रहे हैं इट इज इक्वल टू हम हमारे स्वर्ग के घर के लिए मटेरियल को कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे हम एक यू नो एक इष्टिका जो है, एक एक ईंट जो है हम कलेक्ट कर रहे हैं, या एक एक बॉक्स ऑफ सीमेंट कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। और हम जो यहाँ पे करेंगे उसके बेस में ही हमारा स्वर्गीय घर रहेगा, स्वर्गीय धन रहेगा। तो अपन मैं सबको ये प्रोत्साहन करना चाहती हूँ कि अपन जो भी प्रभु के लिए कर रहे हैं अपना कोई सा भी काम वेन में नहीं जाएगा। अगर आप किसी एक कंट्री के लिए प्रार्थना कर रहे हो, या किसी एक इंसान के लिए प्रार्थना कर रहे हो, या किसी को अपन एक परमेश्वर के वचन को वचन दे के उनके मन को सांत्वना दे रहे हैं, या उनके आत्मिक जीवन को अपन बढ़ा रहे हैं, तो इन सब का प्रतिफल प्रभु हमें देगा। और हमारे जो फ्यूचर जो है जो ग्लोरिफाइड बॉडी हमें मिलेगा, तो हम जब प्रभु के महिमा में पहुंचेंगे तभी हमें इन सब का एक आंसर मिलेगा। तब हम सोचेंगे परमेश्वर पिता कितना अच्छा जीवन है यहाँ का। तो पौलुस को ये पहले से एक बड़ा सा एक रेवलेशन मिल गया था, और उसे कब मिला ये रेवलेशन, उसके हार्डशिप के द्वारा, उसके परेशानी के द्वारा। तो जिस प्रकार से आज अपन ने पर्सिक्यूटेड चर्चेस के बारे में प्रार्थना किया था, ठीक है इंडिया में बहुत पर्सिक्यूशन चल रहा है, पहला जैसे इंडिया नहीं है, अभी मेजर कॉन्वेंट स्कूल्स बंद हो रहे हैं, क्रॉस सब तोड़ डाल रहे हैं वो लोग, बाइबल सब इवन गिडियन बाइबल सोसाइटी में जो बाइबल सब फेंक रहे हैं जला दिए जा रहे हैं, अनेक होटल्स में जो बाइबल रखते थे वो सब बैन हो रहा है, इवन अमेरिका में भी अपन देखते कितने सारे चीजें बंद हो गई हैं। ये सब परमेश्वर के दूसरे आगमन को एक एक आगमन के पहले ये सब होना ही है। तो अपन को जब अपन ये सब न्यूज सुनते हैं तो अपन को जरूर इनके लिए प्रार्थना करना है, परंतु अपने एट द सेम टाइम अपन को अपने आप को जरा जांचना है कि हम तैयार हैं कि नहीं,
कि प्रभु का आगमन बहुत नजदीक हो गया, हमें अपने आप को एक तैयारी करना है, हमें अपने आप को, अपने परिवार को, अपने भाई बहनों को, अपने फ्रेंड्स को, सबको तैयार करना है, और दूसरों को भी हमें खुद को तैयार करना होना है, और हमें दूसरों को भी तैयारी करना है, और इन सब के लिए प्रार्थना करना है। परंतु ये जब पर्सिक्यूशन होता है तब हमको एक चीज आपको याद रखना है, हर पर्सिक्यूशन, हर टेस्ट के बाद एक टेस्टिमनी आता है, और परमेश्वर को मान, क्योंकि परमेश्वर जितनों को बुला लिया गया है, पहले से ठहराए उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया, जिन्हें धर्मी ठहराए उन्हें महिमा भी दी है। तो एक दिन ऐसा आने वाला है कि परमेश्वर हमारे को, हमारा सैल्वेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सैल्वेशन इन क्राइस्ट इन्वॉल्व थ्री मार्वलस गिफ्ट, और ये तीन गिफ्ट है, जस्टिफिकेशन प्रभु ने कर दिया, सैंक्टिफिकेशन हमें करना है डेली बेसिस, और ग्लोरिफिकेशन वो आने वाले दिन के बारे में है। तो ये तीनों को अपने मन में रखते हुए अगर अपने एक नया जीवन एक लीड करेंगे कि हमें उस महिमा में प्रवेश करना है, तो हमारा इस भूमि का जीवन जो है बहुत सौभाग्य हो जाएगा, और हम उसके आगमन के लिए रोज हमें बाट जोना है और हमें तैयार करना है। तो फिर यही प्रार्थना आप सबों से कि हम जो भी प्रभु के लिए कर रहे हैं, कुछ भी व्यर्थ नहीं है, सब कुछ परमेश्वर अपनी डायरी में लिख रखता है, और हमें ये होप है कि प्रभु हमें कल एक ग्लोरिफाइड बॉडी देगा अगर हम यहाँ पे नहीं भी रहेंगे, और उस हम परमेश्वर के साथ हमेशा युगानुयुग वास करेंगे, यही हमारा होप है प्रभु।